देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इस चरण में देश के सभी 50 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो देश के पीएम से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी इसी चरण में वैक्सीन लग सकती है। बता दें कि फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है। अब तक करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करते समय पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल से ऊपर है। इसी के अनुसार अब वे सभी सांसद और विधायक जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनको दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी।